होगा शकीला, मैं तुमसे वादा करती हूँ। बेगम साहिबा, बेगम नहीं, मुझे सिर्फ चाचीरा कहा कर। मुझसे ये गुस्ताखी कैसे हो सकती है? मैं आपके मुलाजिम की बीवी और आप तो क्या हुआ बहन, अमीर हो या गरीब दोनों इंसान हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। इंसान वो है जिसके पास दौलत है, जिसके पास दौलत नहीं वो जानवर से भी बदतर है। बेगम साहबा ने कहा और तुमने मान लिया, लेकिन अकबर सेठ इस रिश्ते को हरगिज मंजूर नहीं करेंगे। क्यों? ये तो उनके पास दौलत है। इंसान को चाहिए चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, जैसे भी हो दौलत जमा करे। दौलत है तो सब कुछ है। दौलत है क्या? आज है कल नहीं, इंसानियत बड़ी चीज है। तुम्हें क्या हो गया है बेगम? मेरी लड़की की शादी मेरे ही मुलाजिम के लड़के? क्या हर्ज है, मालिक हो या मुलाजिम दोनों इंसान है। मैं शकीला से वादा कर चुकी। तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए।
मैं अकबर शेख अकबर मिल्स का मालिक, जिसकी मुट्ठी में सारा बाजार है, जिसकी शहर में सबसे ज्यादा इज्जत है, इस जिल्लत को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। तौबा कीजिए तौबा, ये सारी इज्जत उस खुदा की दी हुई है जिसके नजदीक अमीर और गरीब बराबर है। जिस खुदा ने आपको आज इतनी इज्जत और दौलत दी है, वो कल आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। क्या छीन सकता है, कितना छीन सकता है? हजार, दस हजार, बीस हजार, पचास हजार? गई है तो क्या होगा, मैं तो अभी जिंदा हूं, आपकी पाई पाई अदा कर दूंगा। हेलो जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपका पैसा चंद दिनों में अदा कर दूंगा। देखिए सेठ जी, बात यह है, जी जी कोई खास नुकसान नहीं हुआ जी, मैंने कह तो दिया कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अजी आप कब तक छुपाएंगे, सारे बाजार को मालूम हो चुका है, आप सबका हिसाब कहां से चुकाएंगे? जनाब आपको मैं चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, आपका हिसाब बेबाक करूंगा। अच्छी बात है, एक हफ्ते में हिसाब बेबाक न हुआ तो आपको जेल जाना पड़ेगा। सब्र कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए, जो आयश उठाते हैं उन्हें मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हम कर्ज अदा करने के लिए घर का तिनका तिनका बेच डालेंगे, उस पर भी अदा ना हुआ तो मेहनत मजदूरी करेंगे, चक्की पीसेंगे, जिसका जो देना है पाई पाई अदा करेंगे। हुजूर मैनेजर साहब आए हैं, बुला लो। अमीर बताओ मैं क्या करूं, रुस्तम जी पकौड़ी मलो करम अली कह गए हैं कि एक हफ्ते के अंदर तो तुम्हें जेल जाना होगा। हुजूर घबराने की कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए। हुजूर के गुलाम ने एक ऐसी तरकीब सोची है जिससे कर्जदारों के मुंह कुछ अरसे के लिए बंद हो जाएंगे। बताओ चल बताओ। आप पागल बन जाइए। पागल? जी हाँ पागल, आपको फौरन पागल खाने जाना होगा। पागल खाने? नहीं कैद खाने से तो पागल खाना हजार दर्जा बेहतर है। आपका खादिम बहुत जल्द हालात पर काबू पाकर आपको वहाँ से वापस ले आएगा। इज्जत बचाने की इससे अच्छी और कोई तरकीब नहीं। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं पागल हूँ। क्या हुआ मैनेजर साहब? गजब हो गया बेगम साहिबा, गजब हो गया। आखिर कुछ कहिएगा अभी। क्या बताऊँ बेगम साहब, जब मैं सारा रुपया अदा करके सरकार को पागल खाने लेने गया तो वो... अल्लाह खैर, क्या हुआ उन्हें बताइए तो। सरकार से
चुके थे। आप रो क्यों रहे हैं? क्या अब्बा जान आपके खफा हो गए? हाँ बेटी, वो हमेशा के लिए खफा हो गए। मैनेजर साहब, अगर तकलीफ ना हो तो हमारे जाने का इंतजाम कर दीजिए। बेगम साहिबा, एक जमाना वो था कि आपके दरवाजे पर हाथी झूमते थे, एक जमाना यह है कि आपको मजदूरी करनी पड़ रही है। खुदा की शान है बहन, इंसान को हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे आपसे जुदा होने का बेहद सदमा है, मगर क्या किया जाए, मजबूरी। उन्हें दिल्ली में नौकरी मिल गई है, हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। अरे भाई चलो, ट्रेन का वक्त हो रहा है। बेगम साहिबा इजाजत दीजिए। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। इंतजाम तस्लीम। जीती रहो बेटी, जीती रहो। खुदा हाफिज। देखा कि अब तक अब्बा को आपको सलाम तक नहीं किया। नहीं हमीदा बेटी, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बेटी वो तो जाने क्या कुछ कैसी रहती। अजी आप क्या जाने सची, ये 20वीं सदी है, 20वीं सदी है ना साबिरा। अब बस रहने दो आपा, मैं क्या जानू। सच कहती हूँ सची, साबिरा के दुल्ला भाई कह रहे थे हमीद ने ही आपकी सारी दौलत पर हाथ साफ किया है। वो कल ही दिल्ली से आए हैं, कहते हैं हमीद वहाँ ऐश कर रहा है, बहुत शानदार हवेली में रहता है। क्या हो रहा है बेगम, क्या कोई नया गुल खिला रही हो? आप गुल खिलाना ही तो बाकी रह गया है बुढ़ापे में। अरे कैसा बुढ़ापा, कौन कहता है तुम बूढ़ी हो? जरा मेरी आंखों से तो पूछो बेगम। हटिए भी, देखिए सुरैया आ रही है। अब्बा जान, बंबई वाले रुस्तम जी आए हैं। अच्छा, खूब मौके से आए। अख्तर कहाँ है? होगा कहाँ, कलक के सिवा ठिकाना भी है उसका। आपके लाज प्यार ने जो कौड़ी का कर दिया है उसे। सुरैया को तो आप दिन रात खाए जाते हैं और उसे एक लफ्ज भी नहीं कहते। अरे लड़की का क्या, आज अपनी है कल पराई हो जाएगी, लड़के से तो खानदान का नाम चलता है। तुम देखना अख्तर दुनिया में मेरा नाम कैसे रोशन करता है। दोस्तों बस अब्बा जान के मरने की देर है, अगर इस क्लब को परेशान ना बना दूं तो अख्तर नाम नहीं। बस अब मैं उनके मरने की दुआ मांगता हूं और सब मिलकर सच्चे दिल से आमीन कहते हैं। अरे भाई ड्रामे में देर हो रही है। यस सर। अरे भाई हम भी तो बिल्कुल तैयार है आपकी दुआ से, चलिए ना। 1 2 Thank you.
बंबई भेज दूंगा, जरूर जरूर। अच्छा अमित भाई, हम जाता है। नहीं सेठ जी, मेरा ख्याल है कि आज आप नहीं ठहरिए, कल चले जाइएगा। नहीं बार नहीं, तुम जब बंबई आता है तो हमारे पास कितने देर ठहरता है। अच्छा रोशन जी, जैसी मर्जी आपकी। सही जी, सही जी। अख्तर, तुमने अब क्लब फिर जाना शुरू कर दिया। तौबा कीजिए अब्बा जान, तौबा। एक साल हुआ जो कभी क्लब का मुंह भी देखा हो। घर बैठे बैठे जी घबरा जाता है तो बाहर सैर करने के लिए चला जाता हूँ आपके द्वार से। खैर कोई मुदाफा नहीं, लेकिन बेटे अब तुम्हें ज्यादा घूमने फिरने से फुर्सत पा लेनी चाहिए। तुम अब खैर से उम्र की उस मंजिल में हो जहाँ पहुँच कर जवानी जिंदगी की जिम्मेदारियों को महसूस करने लगती है। मैं अब एक गिरती हुई दीवार हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरे जीते जी मेरा यह सारा कारोबार संभाल लो। जी मैं खुद इसी दिन के इंतजार में हूँ। मेरा मतलब है आपकी पिछली उम्र में मेरी जात से भी तो आपको कुछ फायदा होना चाहिए। क्यों नहीं, आखिर किस बाप के बेटे हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटे। मैं फिलहाल इरादा कर रहा हूँ यही दिल्ली में एक बहुत बड़ा रुई का कारखाना खोला जाए। रुस्तम जी आए थे, उनका भी यही मशवरा है। तुम बम्बई फौरन चले जाओ, उनके कारखाने में रुई का काम सीख लो और उसके मुतालिक अमली तजुर्बा भी हासिल करो। अब्बाजान, बम्बई से तजुर्बाकार मैनेजर क्यों ना बुलवा लिया जाए। मैनेजर जी? नहीं नहीं बेटे, मैनेजर का रखना ठीक नहीं। वो जब चाहे अपने मालिक को तबाह बर्बाद कर सकता है, इसलिए ये सब काम तुम्हें खुद ही संभालना चाहिए। जी हाँ, आपकी दुआ से मैं आज ही अपने दोस्त अनवर को बम्बई में तार के देता हूँ। वो मकान का बंदोबस्त कर लेगा और मैं कल ही रवाना हो जाता हूँ आपके दोस्त। अच्छा हमारे बड़े बद मजाक हुआ अंदर, क्या ये मकान लिया आपने हमारे लिए? खुदा का शुक्र भेजो मियाँ, बम्बई में मकान मिलता कहाँ है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मिल गया। अरे यार, हमारी किस्मत तो इतनी खराब है कि अगर आज इरादा करें कि टोपियों की दुकान लगाएंगे तो कल से अखबार में खबरें छपने लगेंगे बच्चे बाहर सर के पैदा हो रहे हैं आपके द्वार। अच्छा जी, आपकी द्वार से। साहबजादे तुम्हें माफ किया, अब तो यारों का बिस्तर यहीं जमेगा आपकी द्वार। अच्छा जी, सलाम मोहब्बत।
अजी मैंने कहा सरकार, सलाम में मोहब्बत। बदतमीज, बेहया, बेगैरत, बेनसीब, बेकिस्मत। अजी क्या कहने, आज तो हुजूर ने कुछ नए खिताबात अता फरमाए, मेहरबानी, शुक्रिया, इनायत। और क्या करूं आपकी दुआ से। साबरा, ये आयो नहीं, ये ले रंग की पुड़िया, ऊपर जाके दुपट्टे रंग लो। अम्मी वो पड़ोसाना बाबू चला जाएगा तब जाऊंगी। वो तो चला भी गया बेटी, रोजाना जब जाता है तो मुझे सलाम करके जाता है। बेचारा बहुत शरीफ और नेक लड़का है। जी हाँ, बेचारा बड़ा शरीफ और नेक लड़का है। मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, देखिए अगर देख सकते हैं तो, ये हाथ जोड़ रहा हूँ, देखिए तो आपकी दुआ से। ठहरो जरा, जब तक तुम्हारी मरम्मत नहीं होगी तुम बाहर नहीं आओगे, समझा क्या है तुम। देखिए तौबा करता हूँ, अगर आइंदा ऐसी हरकत करूँ तो 50 जूते मारिएगा। खुदा हजारों गुना माफ कर देता है और आप मुझे 3 कहे गुना माफ नहीं करती। फिर तो नहीं करोगे ऐसी हरकत। जी नहीं, बिल्कुल नहीं आपकी दुआ। अच्छा तो जाओ, इस बार माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे। इस इनायत का शुक्रिया, उम्मीद है आप मुझे आइंदा भी इसी तरह माफ फरमाती रहेंगी। बदतमीज, रहे नसीब, जो दूसरों पर रहम करता है अल्लाह मियां उस पर अपनी रहमतों की बारिश करता है आपकी दुआ। ये लो बारिश। ओ, 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 देखिए साहब, हमको ये मजाक पसंद नहीं है आपकी दुआ से, हम कह देते हैं। ये क्या हुआ आप सर, अभी अंधे हो क्या, देख रहे हो पानी में भिगा हुआ, पूछो क्या हुआ। भाई इसलिए पूछा, ये बारिश कहाँ से हुई, मतलब साफ मतलब तो साफ है लेकिन जरा उलझ गया आपकी दुआ। क्या मतलब, हमारे आस्था पास मट्टी में मिला दी है, यहाँ जान पर बनी है और आप फरमाते हैं क्या मतलब। हाय हाय, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। अच्छा जी, तो आजकल मोहब्बत के खेल खेले जा रहे हैं। अच्छा यार, ये तो बताओ कि वो है कौन जिससे इसकी टीमें बढ़ाई जा रही है। क्या बताऊं यार, बस ये समझ लो, चांद का एक टुकड़ा है, सूरज की एक मुस्कुराती हुई किरण है, जिसको मैंने अपने दिल में बसा लिया है, उसे अपना बनाकर मैं नई रोशनी में लाऊंगा, तहजीब के सांचे में ढालकर उसे सोसाइटी की जीनत बनाऊंगा। जब वो मेरे हाथों में हाथ डालकर चलेगी तो हजारों मुश्ताक निगाहें परवानावार हमारे राह में बिछेंगी और मैं अपने इंतखाब पर नाज करूंगा और तुम मेरी जात पर फख्र करोगे। फख्र, बस 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 भैया, आज के लिए इतना ही नशा काफी है, बाकी आएगा। अरे यार अनवर, एक बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। वो क्या? कल किसी अच्छे से होटल से फर्स्ट क्लास फेयर नहीं मंगवाओ यार। लेकिन सर, हाँ ये फिर बताएंगे। अच्छा यार, सिंधी उंगली तो आती रहेगी। अच्छा अपना हुलिया क्या बना रखा, चल चल कपड़े बदल। भाई साहब पहले जी, पहले नहीं, पहले नहीं, पहले नहीं, पहले
देखो तो बने दरवाजे पर। क्या सलाम है मोहब्बत? बदतमीज जहे नसीब। अजी जरा मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी दुआ से आपके लिए। कौन है बेटी? बदतमीज कौन? अम्मी जान मैं हूँ आपकी दुआ से, आधा बजा लाता हूँ। जीते रहो बेटा, ऐसे आना हुआ? अम्मी जान मैंने आज न्याज दिलाई, ये आपका हिस्सा लाया हूँ आपकी दुआ से। अच्छा जी, आओ बैठो बेटा। किसकी न्याज दिलवाई है? जी अब्बा जान की न्याज है अम्मी की, दुआ कीजिए खुदा उनकी मगफरत करे। परवरदिगार उन्हें करमत करवट जन्नत नसीब करे। तुम्हारी माँ तो जिंदा है ना बेटा? जी नहीं अम्मी जान, मैं अभी एक ही बरस का था कि वो मुझे बिलकता छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई आपकी दुआ से। मुझे तो आप जैसे खुदा तरफ पड़ोसी ने बकरी का दूध पिला पिला कर पाला है। मौला तेरी देनिया भी। अच्छा अब मैं इजाजत चाहता हूँ, जोहर की नमाज के वक्त जा रहा है। आदाब। जीते रहो बेटा। दादरा जी अम्मी, ये लो बेटी सलाम है मोहब्बत। समझी तेरी न्याज दिलवाई है अब्बा जान की, झूठा कहीं का बहाने बाद बदतमीज। मैंने कहा सरकार क्या पकड़ा, कुछ हमें भी तो इनायत हो। अंगारे पक रहे हैं, खाइएगा? जी हाँ शौक से, अंगारे मट्टी धूल कुछ भी खिलाइए, आपकी तो हर चीज सर आंखों पर। लाइए मैं हाथ बढ़ाता हूँ। आपने तो मेरे हाथ का तख्ता कर दिया। क्या हुआ बेटी? ना जाने अम्मी क्या हुआ। अख्तर, अख्तर बेटा तुम घर में हो? सब खैरियत तो है? अम्मी बिल्कुल खैरियत है आपकी दुआ से, मेरा मतलब है आप यानी कि आप बिल्कुल ना घबराएं। तो फिर ये चीख क्या की थी? चीख जी वो हाथ जल गया था खाना पकाते हुए आपकी दुआ से। खाना पकाना औरतों का काम है बेटा, मर्द बेचारे क्या जाने, कुछ ज्यादा जला है क्या? जी नहीं बस इतना जला है कि 10-15 दिन खाना नहीं पका सकूंगा। तो तुम इतने दिन हमारी यहाँ खा लिया करना, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। आप कितनी नेक हैं, काश मैं आप जी का बेटा होता। मैं तो अभी तुम्हें अपना ही बेटा समझती हूँ। अम्मी अगर तुम मुझे अपना बेटा समझती तो मेरी शादी की फिक्र भी जरूर करती। अच्छा मैं इसकी फिक्र करूंगी। क्या तनख्वाह पाते हो बेटा? जी हो तनख्वाह 250 रुपए, जिसमें से 50 रुपए हर महीने दादर बार के यतीम खाने को देता हूँ आपकी दुआ। ये तो बहुत ही अच्छा करते हो। अल्लाह ताला का इरशाद है कि यतीमों मोहताजों की मदद करो। जी बस 100 रुपए मैं अपनी गुजर करता हूँ और बाकी 100 रुपए हर महीने शादी के लिए जमा करता हूँ। अम्मी अब तो बस यही हसरत बाकी है कि किसी तरह मेरा घर आबाद हो जाए, कोई लड़की मिल जाए, लूली हो लंगड़ी हो अंधी हो लेकिन शरीफ ऐसी हो जैसे कि आप। बस देखने वाले यही समझें कि आप ही की बेटी। मैं कोशिश करूंगी बेटा। बिजली मैं भी कितनी जालिम हूँ, बेवजह उनका हाथ जला दिया। कसूर क्या था उनका? यही ना कि मेरे दुपट्टे और फिरनी पर उन्होंने सलाम मोहब्बत लिख लिया था। ये कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं थी। बिजली तुम उनके पास जाना और कहना हमसे गलती हुई, माफी चाहते हैं। हाँ ठीक ये भी कहना। सलाम मोहब्बत का मतलब बता दो, हमें अपने हमें अपने दिल की कहानी सुना दो। ओ, ओ, ओ सलाम मोहब्बत का मतलब बता दो, हमें अपने हमें अपने दिल की कहानी सुना दो। ओ, ओ, ओ ये दिल पाक समझे तुम्हारे
तुम्हारे पुचारे इसे साफ पाई से साफ लफ्जों में सब कुछ बता दो ओ सलाम में मोहब्बत का मतलब बता दो ओ हमें अपने दिल की कहानी सुना दो ओ सलाम आ रहे हैं सलाम आ रहे हैं ये ख्वाबों में आने का मकसद बता दो मकसद बता दो हमें अपने हाँ हमें अपने दिल की कहानी सुना दो ओ सलाम में मोहब्बत का मतलब बता दो ओ हमें अपने दिल की कहानी सुना दो ओ हमसे खताएं उतारा उन्हें अपने दिल से भुला दो ओ सलाम में मोहब्बत का मतलब बता दो ओ हमें अपने दिल की कहानी सुना दो ओ बहुत खूब हमीदा तुम आ गई ससुराल से मैं आज दोपहर तुम्हें याद किया करती थी चल हट तुझे इस प्यार मोहब्बत से फुर्सत भी मिलती होगी ये 20वीं सदी है 20वीं सदी कैसा प्यार कहाँ की मोहब्बत तुम्हारी यही लच्छेदार बातें सुनने को तो जी चाहता था ये चिकनी चुपड़ी बातें रहने दे चल बता कौन है वो जिससे सलाम मोहब्बत का मतलब पूछ रही थी मैं क्या जानू अरे पर ताज्जुब तो ये है कि तूने घर से बाहर पैर नहीं निकाला फिर पिंजरे की मैना ने किससे दिल लगा लिया किसी से भी नहीं समझी या तो वो शबराती बहती होगा या वो रमजानी भटियारा जो गली में हलवे कुलचे की फेरी लगाता है ऐ नहीं आपा वो तो बाबूजी हैं अच्छा तो ये खास है और वो बाबूजी रहते कहाँ है यही पड़ोस में अच्छा तो आस्तीन में सांप पाल रखा है तूने हाँ और क्या अरे तू क्या जाने ये 20वीं सदी है 20वीं सदी मर्दों की जात बड़ी बेवफा होती है ये पहले नीचे बनकर ठगते हैं और फिर सांप बनकर डसते हैं नहीं नहीं आपा वो ऐसे नहीं है वो तो बड़े नमाजी परहेजगार यतीमों गरीबों के हमदर्द हैं बेचारे खुद भी यतीम हैं अच्छा जरा देखूं तो तुम्हारे नमाजी बाबू को इस वक्त घर में होगा चल बताना चल जी अरे तेरा बाबू तो सचमुच नमाजी है सलाम फेरे तो सूरत देखूं शक्ल से तो अच्छा खासा भटियारा मालूम होता है खैर ठीक है रोज तुझे ताजे ताजे शीरमाल पकाकर खिलाएगा और थोड़े ही दिनों में तू फूल कर डबल रोटी बन जाएगी डबल रोटी अरे पर सुन तो तूने उसे अच्छी तरह परख लिया है ना ये 20वीं सदी है 20वीं सदी कहीं ऐसा ना हो कि बाद में खोटा निकल आए इतना तो कह सकती हूँ कि वो मुझे बेहद चाहते हैं और तू मैं क्या जानू हाँ तू क्या जानेगी बेचारी चची जब देखो खिड़की ये नगोरी मशीन चलाते चलाते बहरी ना हो जाना कहीं उफ लड़की फिर आगे मेरा सर खाने सच कहती हूँ चची ये 20वीं सदी है 20वीं सदी हाँ चची ये तो बता नहीं ये पड़ोस वाला बाबू कैसा है अच्छा है बेचारा अगर तू ब्यासा ना होती
तुम्हें तेरा ब्याह उसी से करा दी तो अब हर्ज क्या है? अब साबरा का ब्याह कर दीजिए ना उससे। नहीं बेटी, साबरा के लिए तुम्हें शकीला से वादा कर चुकी हूँ। फिर आपने उनका नाम लिया? इतनी मुद्दत हो गई ना उन्होंने आपको खत भेजा ना खबर ली और आप उन्हीं का नाम रटी जा रही हैं। वो चाहे मुझे भूल जाए मगर मैं अपना वादा कभी नहीं भूल सकती। मैं इसी हफ्ते में दिल्ली जाकर उनसे शादी की तारीख तय कराऊंगी। लेकिन आपने साबरा से भी इस बारे में कुछ पूछा? तौबा कर लड़की, कहीं लड़कियां भी अपनी शादी के बारे में जबान हिलाती हैं? वो जमाने लग गए चची, ये 20वीं सदी है 20वीं सदी। आजकल की लड़कियां खुद देखभाल कर अपना बर्तलाव करती। बस तुम्हें तो कोई बातें करने बिठा दे, कैंची की तरह चलती है जबान। सुनो खो, अरे मुझे चची से बातें करने नहीं। अरे लोग खैर उसको बैठिए बैठिए। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। रहने भी दो, आंखें जो हुई चार तो बस आने लगा प्यार। इतने बरस बीत गए कभी दोहरा खैरियत के भी लिखकर न दी। अजी सुना आपने, बेगम साहिबा आई है। बेगम साहिबा? जी हाँ, हमारी बेगम साहिबा साबिरा की अम्मी, अकबर सेठ की बेगम। अकबर सेठ की बेगम? अरे हाँ याद आया, अकबर मियाँ की बेगम, मैं तो भूल ही गया था। और इस उम्र में तो हाफजा भी कमजोर हो जाता है। हाँ देखो, मुझे तो एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम इनकी खातिर तवाजा में कोई कमी न करना। और अगर इन्हें कुछ रुपए पैसे की जरूरत हो तो। माफ कीजिए भाई साहब, ये किसी भिखारन का हाथ नहीं जो आपके सामने खैरात के लिए फैले। ये बेगम अकबर का हाथ है जो आपकी आंखों के सामने बरसों गरीबों मिस्कीनों में खैरात और जकात बांटता रहा। हिसाब की किताबें जल गईं तो क्या हुआ, आपको तो जबानी याद होगा। बेगम साहिबा आप भी मैला न कीजिए, वो तो उनके मुंह से यूं ही निकल गया। शकीला बहन, मैं आप लोगों से कुछ मांगने नहीं कुछ देने आई हूँ। मेरा वादा मुझे दामन पकड़ कर यहाँ खींच लाया। अरे हाँ, वो अख्तर और साबिरा के रिश्ते की बात अभी सुना आपने? हाँ बेगम, लेकिन जब में और अब में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तुम तो जानती ही हो कि अख्तर के लिए कितने बड़े बड़े घरानों से पैगाम आ रहे हैं। अभी अभी परसों खान बहादुर नसीरुद्दीन के यहाँ से रिश्ता आया है। खान बहादुर 50,000 नग और एक बंगला जहेज में देने को तैयार थे। लेकिन लेकिन क्या, दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? जरा सोचो तो बेगम, आग और पानी में कभी मिलाप हुआ है? तुम फूल का दामन कांटों से बांधना चाहती हो, भला ये कैसे हो सकता है? भाई साहब, आज हम कांटा बनकर आपके फूल से दिल में खटकने लगे, इसलिए कि आप दौलतमंद हो गए और हम गरीब। लेकिन दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं, ईमान और खानदानी शराफत। खानदानी शराफत, दौलत के बगैर शराफत। मुझे अफसोस है कि मैं ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं कर सकता। जरा सुनिए तो सही। मैं इजाजत चाहती हूँ बहन। नहीं बेगम साहिबा, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। मैं उन्हें राजी करने की कोशिश करूंगी। तुम्हारी कोशिश तो कुछ ना होगा बहन, दौलत पाकर मगरूर न होना बहुत बड़े जर्फ की बात है। मुझे मेरे वादे ने भुला दिया था कि मैं अब गरीब हूँ। नहीं नहीं बेगम साहिबा, खुदा गवाह है कि मेरे दिल में तो अब भी वही ख्याल है। इंसान अपने दिल में न जाने क्या क्या मंसूबे बांधता है, लेकिन होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और पानी में कभी मिलाप हुआ है? फूल का दामन कांटों से बांधना चाहती हूँ,
भला ये कैसे हो सकता है? मुझे अफसोस है कि मैं ये रिश्ता हर चीज मंजूर नहीं कर सकता। इलाही खैर अम्मी जान, क्या हो गया है आपको? चची जान खैरियत तो है? हाँ अल्लाह, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। नहीं बेटी, ये तो महज सफर की थकान है, घड़ी दो घड़ी में ठीक हो जाऊंगी। तुम जरा पड़ोस वाले बाबू को बुला दो। बहुत अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। याद है बेटा, तुमने एक दिन कहा था कि अम्मी मेरी शादी की फिक्र करो। जी हाँ, आपकी दुआ से। सच तो यह है कि मेरा मतलब, मैं तुम्हारा मतलब समझ गई थी बेटा, लेकिन उस वक्त चंद मजबूरियां थी जो नहीं रही। मेरे उजड़े हुए खानदान का आखिरी चिराग अब साबिरा है। सचिन, मेरी अमानत को संभाल सकोगे बेटा? जी, मैं आपकी अमानत को जिंदगी के आखिरी सांस तक संभाल कर रखने की कोशिश करूंगा अम्मी। एक बात और कह देती हूँ बेटा, मेरे पास दौलत नहीं है जो साबिरा को जहेज में दे सकूं। हाँ, नेकी और ईमान जरूर है जो मेरी तरफ से तुम्हारी बीवी के हिस्से में आएगा। मेरी बच्ची के दिल ने यतीमी का दाग उठाया है, मुसीबतें और सदमे सह सह कर वो और भी नाजुक हो गया है। उसे ठेस न लगने देना। आप यकीन रखिए अमीजा, मैं अपनी सारी जिंदगी उनकी बेहतरी और खुशी के लिए वक्त कर दूंगा। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा बेटा, जाओ निकाह का बंदोबस्त करो। ऐसी भी जल्दी क्या है, आप अच्छी तो हो लीजिए। नहीं बेटा, इसमें देर न करो, ये मेरी आखिरी तमन्ना है। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा। आप बस 4,000 रुपए हफ्तुल नहर मोजिल साबरा बेगम बिन सेठ अकबर अली मरहूम सकने बम्बई को शरण व कानूनन अपनी बीवी कबूल करते हैं। आप बस 4,000 रुपए हफ्तुल महर मोजिल अख्तर हसन इब्न सेठ हमीदुल हसन सकना दहली को कानूनन व शरण अपना शोहर कबूल करती हैं। सेठ हमीद का बेटा, मुबारक हो आपका दामाद आपके मैनेजर हमीद का लड़का अकबरी है। चची जान, आपका वादा पूरा हुआ। चची जान, आप बोलते क्यों नहीं? मिठाई खिलानी है इसलिए। चची जान, चची जान, हाय अल्लाह, आपको क्या हो गया? चची जान बोलिए, चची जान, चची जान, खुदा के लिए बोलिए। हौसला रखो बेगम, मेरी मोहब्बत की गोद तुम्हारे लिए खुली है। मैं दुनिया भर की खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। पहुंचो आंसू, पहुंचो। अगर रोगी तुम्हारी अम्मी जान की रूह को सदमा पहुंचे, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। आज तो वो बेहतरीन चीजें लाया हूँ कि बस दाद जाता हूँ आपकी दुआ। कनीज इन मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करती है। देखो भाई, हमें ये तकल्लुफ बिल्कुल पसंद नहीं आपकी दुआ। कनीज शुक्रिया, आखिर ये क्या मुसीबत है? कई बार कहा जरा खुल जाओ, हमसे घुल मिल जाओ, तुम छेड़ो हम सताएं, तुम रूठो हम मनाएं। अब तौबा कीजिए, मैं आपसे रूठूं, खुदा वो दिन न लाए। और वो दिन भूल गए जब हमें बदतमीज कहा जाता था। जरा ये दाग मिला जाओ। तब आप गैर थे, ना महरम थे। और अब? अब आप मेरे शौहर हैं। नबी करीम का इरशाद है कि अगर खुदा के सिवा किसी को सजदा करना चाहते हो तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। तुम्हें तो दुनियात की किसी स्कूल की मुल्लानी होना चाहिए था। अच्छा बाबा, तुम जीती हमारे। अब जरा कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ, सिनेमा चलेंगे आपकी दुआ। कनीज को इन चीजों से दिलचस्पी नहीं। ये भी खूब रही,
بناؤ سنگار سے دلچسپی نہیں, نئی تہذیب کے نئے اصولوں سے دلچسپی نہیں, اور اب سنیما سے بھی دلچسپی نہیں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں سرکار کو کسی چیز سے دلچسپی ہے بھی؟ جی آپ سے. مجھ سے؟ اگر یہ درست ہے تو تمہیں میرے اصولوں اور خیالوں سے بھی دلچسپی ہونی چاہیے. مجھے ایک زندہ دل ساتھی چاہیے, مردہ دل لونڈی نہیں, سمجھی؟ جی. چلیے افسر صاحب. آیا انور آیا. آداب غلام بھائی. آداب. کہیے کہاں جا رہے ہیں؟ جی ذرا باہر جا رہا ہوں آپ کی دعا سے. سارا تو بڑا رنگیلا معلوم ہوتا ہے. اب کیا ہے ایش کر ایش, روز خدا جانے کیا الا بلا اٹھا لاتے ہیں, چیزوں کا نام بھی نہیں آتا. ارے دیکھ یہ روج ہے, یہ لپسٹک, یہ کریم, یہ پاؤڈر, یہ اونٹوں پر لگائی جاتی ہے اور یہ سب چیزیں چہرے پر لگائی جاتی ہیں. چل اٹھ میں تجھے لگا دوں. نہیں آپا, نہ جانے اس میں کیا بلا برتن ملی ہو, خدا جانے حرام ہے یا حلال, میں تو نہیں لگاتی. ارے یہ پرانی باتیں بھول جا, یہ بیسویں صدی ہے, بیسویں صدی. آج کل کے شوہر اپنی بیویوں کے حسن کو ایک دم نکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے سامنے تو ہمیشہ رنگین تتلی کی طرح چرکتی رہو, مست مور کی طرح ناچتی رہو, شوخ ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی رہو تو بس وہ خوش ہیں. نہیں تو ان کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کرنے لگتی ہیں. نہیں نہیں آپا, وہ ایسے نہیں ہیں. انہوں نے تو ایک دن امی سے کہا تھا کہ مجھے ایک شریف لڑکی چاہیے, کالی ہو, لنگڑی ہو, لولی ہو, لیکن ہو شریف. پگلی کہیں گی, بھول گئی؟ میں نے کہا تھا نا یہ بیسویں صدی ہے, بیسویں صدی. آج کل کے لوگ پہلے میٹھے بن کر سکتے ہیں اور پھر سانپ بن کر ڈستے ہیں. لیکن میرا وہاں جانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ میں ان لوگوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں بیگم. کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ پارٹی میں غیر مرد میرے کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے؟ تو کیا تم میرے ساتھ کلب نہیں چلو گی؟ اب اور کیا عرض کروں. جاہل, گوار, بدتمیز. ٹھہریے دلہ بھائی. سنا تم نے حمیدہ, تمہاری سہیلی؟ میں سب کچھ سن چکی ہوں, سابرہ آپ کے ساتھ جائے گی. میں اب انتظار نہیں کر سکتا. تو آپ چلیے, میں سابرہ کو لے کر آتی ہوں. اچھی بات. آپا یہ تم نے کیا غلط کیا؟ جب وہ وعدہ کر چکے تو تمہیں ضرور جانا چاہیے, نہیں تو ان کی ذلت ہوگی. لیکن وہ تو مجھے اپنی کلب میں لے جانا چاہتے تھے, وہاں ناچ ہوگا, گانا ہوگا اور خدا جانے کیا کیا خرافات ہوگی. اگر وہاں ایسی کوئی بات ہوئی جو ہمارے اصول اور ہماری تہذیب کے خلاف ہے تو ہم واپس چلے آئیں گے. چل جلدی تیار ہو جاتا. لیکن آپا جو پاپا کی بچی خاتون.
शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। आपकी देवन साहबा तो बहुत खूबसूरत है जी, और फैशनेबल भी जी। अक्सर भाई, भाभी जान से कहो कि बेतकल्लुफ होकर खाएं, और अगर हम लोगों की वर्ष शर्मा रहे हो तो हम सब प्लेटें उठाकर दूसरे कमरे में चले जाए। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है पर्दे की। मेरी आंखें, चिपकी नाक, चिपके हुए गाल, ये सब कुछ भी एक लगाव में सीख जाता। किस मुर्गी ने कहा था कि बुरका ओढ़कर आओ जहाँ? ठीक फरमाते थे अक्सर साहब, नई तहजीब के फैशन तो इनके घर की नालियों में बहते हैं। उसको बहन, यहाँ तहजीब की प्लेग फैल रही है, खिलाफत की इन सड़ी लाशों के करीब बैठना बीमारी मोल लेना है। अभी क्या गजब कर रही हैं आप, बैठते तो भाई अक्सर हमीदा। जुला भाई, क्या आप अपनी बीवी को इसीलिए यहाँ लाना चाहते थे? क्या आपकी ये बेहया दोस्त इसके जिगर पर तानों की मिक्सर चलाए, आपकी इज्जत को गेंद की तरह ठोकरों में उछाले? रहो तो है आप पर, आप खुदा के लिए खामोश हो, तुम चुप रहो। ओ बाप दादा की खिलाफत की कब्र पर तहजीब के झंडे गाड़ने वालों, यही तहजीब है तुम्हारी? इस तरह बाजार खिलाफत की धज्जियां बखेरो, एक शरीफ सीधी सारी लड़की के सीने को तंग से तीरों से छलनी करो, एक मासूम दिल पे जिस बात की खाक अपने सरों पर उड़ाओ। तुम हमारी बेइज्जती करा रहे हो अक्सर। तुम्हारी इज्जत पूरी कर, तुम धोबी के कुत्ते हो, न घर के न घाट के। तुमने अपने बुजुर्गों हड्डियां बेचकर ये फैशन खरीदे हैं, तुमने अपने खानदानों की इज्जत का लहू निचोड़ कर शराब की बूंदों में मिलाकर पिया है, तुमने अपने मुल्क और अपनी कौम की लाश को शिष्टता छोड़कर घरों के सलने चाहते हैं, तुमने अपनी तहजीब और माशरत के काबूत में गद्दारी की नेतें छोड़कर उस पर गुलामी की मोहरें लगा दी है। ये क्या बकवास है, ओ गुनाह की बोलती हुई तस्वीरों, शर्म करो शर्म, तुम उसी मादरे वतन की नाहंजार बेटियां हो जिसकी कोख से सीता, सावित्री और चांद सुल्ताना पैदा हुई, एक वो थी जिन्होंने अपनी पाकीज की हिम्मत और बुलंद ख्याली से दुनिया के दिलों पर राज किया है, और एक तुम हो जो फैशन और गुमराही के तालों पर नाच नाच कर शराफत की धरती छाती पर लाते मार रही हो, तहजीब तहजीब के नारे लगाती हुई अपने हुस्न के जलवे नीलाम कर रही हो। लालच हो तुम पर और तुम्हारी तहजीब पर, मर जाओ कि तुम्हारे जीने से इंसानियत मर जाएगी। चल लड़की, अब करनी चाहिए। कहाँ चले? तुम मुझे जाने दो, मेरी तबीयत सख्त परेशान है। मेरे दोस्त, दुनिया में कौन सी ऐसी परेशानी है जिसका इलाज न हो, और फिर तुम्हारी परेशानियों का इलाज तो यही मौजूद है। यानी कर लें। अरे यार मजाक मत करो, किसी की जान गए आपकी अदा को। टैक्सी का इंतजाम हुआ कि नहीं? भाई अक्सर रात ज्यादा होगी इसलिए टैक्सी तो मिली नहीं, भाई घर जाते वक्त अपने मोटर ट्रेन से भी छोड़ जाना। रहने दो, क्यों तकलीफ दे रहे हो? जी कोई बात नहीं, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। बाबू कहाँ है? अरे कुछ कहेगी भी? क्या कहूँ आपा, तुम्हारे पीछे 15 ही दिन में उनसे तो सेवत ही बदल गई, आधी आधी रात तक घर के बाहर रहते हैं, तूफान की तरह आते हैं, आंधी की तरह जाते हैं, बार बार पर खुर्सी खिड़की, या तो वो बदल गए थे या मेरी तकलीफ ही पलट गई थी। आखिर हुआ ना वही जिसका मुझे खटका था, बना बनाया थे ये तस्वे बाद में बहाना, पहले उसे बढ़िया की साड़ी निकाला और सिंगार का सामान उड़ूले में गया। सिंगार तेरा ब्याह तो किसी मुट्ठी मुल्ला से होना चाहिए था, ये 20वीं सदी सारा जमाना तो लगाता है पर तू ही ऐसा नौकी अमीन मेट निकालने लगी, क्या क्या समझा गई थी मगर ऊपरी तेरी से। मुझे मजबूर न करो आप, जो पापा की बच्ची तौबा तौबा, मशवरा तू ना सुने नसीहत तू ना माने, लड़की है या चिकना घड़ा, चलो क्या क्या तरकीबें सोचती है तुम्हें। अब तो अक्षर साहब के अक्षर बिना आपके डालने के साथ ही गुजरते हैं,
कभी कभी अपने घर जाते हैं, वो भी घड़ी दो घड़ी के लिए। खैर ये तो ठीक है, लेकिन मेरी जान। वो भी हो जाएगा, कुछ दिन कहा जाओ। हेलो डाले। जाइए, अब आ रहे हैं आप। भूखा मार डाला ना आज। तुमने भी खाना नहीं खाया? भला आपके बगैर कैसे खा लेती। अबे लड़के, खाना लगाओ मेम साहब के लिए। क्या जल्दी जल्दी। ये बाकी सब देख कर पतंगे की तरह सीधा ना हो जाए तो मेरा नाम पलट देना। तो भी बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखी। सच तो कहती हूँ, आजकल की तहजीब के मारे शोहर बीवी के हाथों जूते खाने पर तैयार है, बशर्ते कि जरा मारने वाली रस्सी ही सही हुई हो। क्या समझ। अरे पर है कहाँ तेरा वो। कव्वे ने मोर के पर लगाना कब से शुरू कर दिए। हंस की चाल चलते चलते अपनी चाल न भूल जाए।
न जाने मैं कैसी किस्मत लेकर आई हूँ मेरे मालिक। अब तो आपको वो बातें भी बुरी लगने लगी हैं जिनके लिए आप खुद कहा करते थे। आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे। मेरे सरदार, आपने हमेशा मेरी मोहब्बत और खिदमत का जवाब खुशियों और खुशियों से दिया। मैं जब भी आपके कदम देने छुटी, मेरी परेशानी को आप ही ठोकर ने नवाजा। अपनी जफाओं की सबसे इतना तो बता दीजिए कि मुझे किस जुर्म में इतनी सख्त सजाएं दी जा रही। तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि तुम वो नहीं हो जो मैं समझता था। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी जाहिल और तंग ख्याल हो कि आज की आजाद और महजब दुनिया से भी नफरत करोगी। आजाद और महजब दुनिया या बुराई और गुनाह की दुनिया, खुदा न करे जो मुझे उस दुनिया की हवा भी लगे जहाँ पहुँच कर औरत औरत नहीं रहती, नुमाइश का एक खिलौना बन जाती है। खुदा के लिए आंखें खोल कर देखिए, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो तरक्की का नहीं बर्बादी का रास्ता है। वो कुछ भी हो, अगर तुम उस रास्ते में मेरा साथ नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। तलाक? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, मेरे ब्याह का चेहरा भी नहीं मुरझाया, और जो जी चाहे कीजिए, लेकिन मुझे अपने कदमों से जुदाना सीखी। मैं अपना कनी की तरह हमेशा आपकी खिदमत करूंगी। मुझे तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं। आदाब जुलाब भाई। आदाब। जाओ तो जुलाब को आई बुलाकर ये तस्वीर क्यों बाहर जा रहे हैं? क्या कोई नया गुल खिला? आप आज तो वो अपना सामान भी ले गए हैं, मुझे तलाक देने के लिए कह रहे थे। ओहो, बड़ा आया तलाक देने वाला। शादी न हुई गुड़ियों का खेल हो गया। इस चुड़ैल से घर ले गए वो अपना सामान। चल तो जरा पता लगाए। नहीं आपा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अरे वो जमाने लग गए जब औरतें घर की चार दीवारी में बंद रहती थी। ये 20वीं सदी वो तो जमाने भर में झकमाया करे, और तू चीनी की गुड़िया बनी घर में बैठी है। चल तो उस चुड़ैल की मैं चुटिया पकड़ लूंगी और तू अपने मियाँ का गिरेबान पकड़ कर खींच ला। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा तो फिर मैं जाती हूँ। अरे ये आप कहाँ जा रही है? मैम साहब का ऑर्डर नहीं है। अरे चल हट, मैम साहब का बच्चा। अरे अरे ये क्या गड़बड़ है? डार्लिंग आप ही का नाम है ये? हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल बड़ी आई तलाक दिलवाने वाली। कौन है तू? यहाँ किस लिए आई है? उस फ्री नन्ही नादान जैसे पहचानती ही नहीं। शराब यू शराब जाती है या कान पकड़वा के निकलवाऊं? बड़ी आई कान पकड़वा के निकलवाने वाली। अरे जूती उतार के 20 लगाऊंगी और एक गिनूंगी। बैरा जब बैरा की बच्ची मजाल है बैरा की जो मुझे दे, आंखें निकाल लूंगी उसकी। बैरा दे दे। अरे बैरा बैरा क्या कर रही है? वो तो है ही बैरा, सुनेगा क्या? क्यों खामखा गला फाड़ रही है? अख्तर कहाँ है? अख्तर कौन? अख्तर वही अख्तर जिसे तुम उल्लू बना रही हो। मक्कार पराए खसम को हजम करके बैठी है, अधिकार तक नहीं लेती। सीधी तरह बता दे वरना हथकड़ी डलवा दूंगी। मेरे मामू पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ। तुम तो फजूल गले का हार हो रही हो, भला मुझे अक्सर से क्या वास्ता? तुम्हें अक्सर से क्या वास्ता? ये उस बिचारी भोली भाली लड़की के दिल से पूछो जिसकी खुशियों पर तुम डाका डालकर मजे ले रही हो, जिस बेचारी के घर में आग लगाकर तुम अपने हाथ ताप रही हो। तुम औरत नहीं, औरत की पेशानी का दाग हो। मुझे अफसोस है बहन, गलत फहमी तुम्हें बहुत दूर तक ले आई, वरना सच तो ये है कि अक्सर कभी कभी एक मुलाकाती के तौर पर मुझे मिलने जरूर आता है, लेकिन मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि उसके यहाँ आने से किसी के दिल को तकलीफ पहुँच सकती। बातें बनाना तुम खूब जानती हो, मगर इतना याद रखो कि किसी की सुहाग की रातें लूट कर तुम भी चैन और इत्मीनान के ख्वाब ना देख सकोगी। और हाँ ये भी सुन लो, जो मर्द अपनी बीवी का नहीं हुआ किसी दूसरी का भी नहीं हो सकता। तुम ठीक कहती हो बहन, मैं आइंदा अख्तर को कभी यहाँ नहीं आने दूंगी। देखो मुझे चिड़िया चिलतर न करना, मेरा नाम हमीदा है हमीदा। मुझे भरोसा रखो बहन। अच्छा तो जाती हूँ, मेरा कहा सुना माफ करना। और हाँ ये भी याद रखो, मेरे मामू पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर? अख्तर आज तो ये ब्ला टल गई, लेकिन है ये बहुत खतरनाक, इससे तो डरना ही अच्छा है। क्या मतलब? यही कि ये आंधी आने वाले तूफान की खबर दे रही है,
हमें ये शहर बहुत जल्द छोड़ देना चाहिए। अरे ये भी कोई बड़ी बात है, तुम कहो तो आज ही शहर छोड़ दे आपकी दुआ से। हाँ आज। प्रॉमिस। जाना था कब जाओगी परसों तो फिर मुझे भी डेली पहुंचाती जाना। अच्छा बाबा जो जी में आए कर
कौन सुनता है किसी की, ये 20वीं सदी है, 20वीं सदी। कौन हो तुम? आपकी कनी। क्या चाहती हो? आपकी पना, आपकी खिदमत। जो औरत भी नौकरी के लिए आती है शुरू शुरू में यूं ही करती है, मगर 4 दिन नहीं करती। बेगम साहब, मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अगर आपने अपने कदमों में एक बार जगह दे दी तो मैं इस घर से मरकर ही निकलूंगी। तो रोटी कपड़ा और 20 रुपए माहवार मिलेंगे, मंजूर? जो आपको मंजूर। तो सुरैया बेटी, इसे ले जाओ और घर के सारे काम अच्छी तरह समझा दो। जी अच्छा। जादू कर दिया है कहीं कंसी दिनों में, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे तुम बहुत दिनों से हमारे साथ हो। हमारा घर पसंद आया तुम्हें? जी मैं इसे अपना ही घर समझती हूँ। हमारी अम्मी तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अब्बा जान का मिजाज कुछ ऐसा ही है। मुझसे तो खुदा वास्ते का बैर, लेकिन भाई जान के वो चौसले उठाते हैं कि बस क्या कहूँ। कोई खत आया आपके भाई जान का? आने के बारे में कुछ नहीं लिखा। हमारे भाई जान के आने की तुम्हें इतनी खुशी क्यों है? मुझे बड़ी खुशी होती है जब बिछड़े हुए मिलते हैं। शायद तुमसे भी तुम्हारा कोई अजीज बिछड़ा हुआ है, इसीलिए तुम हर वक्त उदास और खोई खोई सी रहती हो। क्या अपने दिल का हाल मुझसे ना कहोगे? मुझे क्या बानो, मैं तो वो सूखा हुआ दरख्त जिसके तमाम पत्ते मौसम बाहर में झड़ गए, वो बदनसीब बुलबुल हूँ कि चगोड़ने के दिमाग तो सयाद में तब काट लिया। बाप का साया सर से उठा, माँ की गोद में पन्हा ली, वो भी जाती रही। और क्या, और मैं बस किस्मत इस दुनिया में ठोकरे खाने के लिए अकेली रहती। जी छोटा ना करो कनीज, मुसीबत के दिन सदा नहीं रहते। सूरज डूबता है, डूब कर फिर उभर आता है। मैं भी क्या बात है ले बैठी बानू। अरे हाँ, आपने ये तो बताया नहीं कि आपके भाई बहन कब तक आएंगे। उनका कुछ पता नहीं, क्या मालूम कब आएंगे। रैया बेटी, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। अभी आई। हर जिस से आने
सरकार का चेहरा देखना बाकी। अच्छा, अगर चेहरा देखना हो तो जरा सामान रखा। कमान वाले। अरे अक्सर तुम आधा और जब बजा जी तुम बैठे तो अच्छे तो रहे जी। अच्छा रहा आपकी दुआ से। आपसे मिलिए, आप हैं मिस डार्लिंग, बंबई की मशहूर करोड़पति। इनके सब कारखाने मेरे सुपुर्द हैं और इनकी हर चीज पर मेरा पूरा पूरा इख्तियार है आपकी दुआ से। बड़ी खुशी की बात है जी। डार्लिंग आप हैं मेरे अब्बा जान। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई भाई। अक्सर तुमने मुझे पहले से इतला दे दी होती तो मैंने आपके लिए किसी शानदार बंगले का इंतजाम कर लिया होता। शानदार बंगले की क्या जरूरत है, शानदार बंगले में रहते रहते तो जिंदगी गुजर गई। अब तो जहाँ अक्सर था रहे वही मेरी जन्नत है। अच्छा आओ बैठे, चलो जी अंदर चलो। ठीक है, चलिए। तमीज तमीज भाईजान आ गए। अच्छा तुम मैंने रोज पूछा करती थी ना, आज मैं देख जिलो चलो। अरे मैं उनके सामने कैसे जा सकती हूँ। और ओहो सुरैया बेगम खड़ी है यहाँ। फायदा तकलीम जीती रहो जीती रहो। ये कौन? ये तमीज बहुत अच्छी है, महीने नौकर रखा है। नौकर रखा है लेकिन ये दुल्हन की तरह घूंघट निकाले क्यों खड़ी है? मैं तो समझी कहीं अक्सर साहब की दुल्हन है। फायदान आपकी तारीफ। तुम्हारी भाभी। भाभी? अरे तो भाभी बनने में बस बाजे बाजे की कसर है। अच्छा श्रेया चलो जरा अपनी जान को मिलने। अरे वो करोड़ों की मालिका है, मैं कहता हूँ अक्सर ने वो घर ताका है, वो कमल फेंकी है कि वाह। इसे कहते हैं बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अम्मी जान आदाब, कहिए आपकी तबीयत कैसी है? अक्सर ये लड़की कौन है और यहाँ किस लिए आई है? पर्दा क्यों नहीं करती? लड़के को दुआ नहीं दी और लगी उड़ जरूर सवाल कर रहे। मैंने तुमसे कह दिया सब कुछ। अम्मी जान अम्मी जान, भाजान मुझसे कह रहे थे कि ये तुम्हारी फादी है। क्यों मानती हो मेरा कैफा? क्यों भाई अक्सर ठीक है ये विचार करूँ, थोड़ी सी शर्म आ रही है आपकी दुआ से। बस आपकी इजाजत चाहिए, शादी होते ही सारी जायदाद मेरे नाम कर देगी आपकी दुआ। अच्छा जी, तो फिर नेती और पूछ पूछ शादी में देर कैसी? मेरी तरफ से पूरी इजाजत है लेकिन मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। सोने की छुरी पेट में नहीं मारा करती। आप एक ऐसी लड़की को मेरी बहू बनाना चाहते हैं जो खुले बंदो न महरूमों से मिलती है। आप महफिल की शमा को मेरे घर का चिराग बनाना चाहते हैं। ये शादी हरगिज नहीं होगी। ये शादी होगी और जरूर होगी, मैं जानता हूँ। तुम तो चाहती हो कि अख्तर की शादी उस मुफलिस और कल्लाश बुढ़िया की लड़की से हो जिसके पास सुबह खाने को है तो शाम को नहीं। बेटे अख्तर मैं तुम्हारी मंगनी का ऐलान आज ही किए देता हूँ। मेरे मौजूद मेहमानों, मैं आज आप हजरत मिस डार्लिंग का तारुफ कराना चाहता हूँ। आप करोड़ों की मालिका हैं,
और मेरा लड़का अख्तर आपकी फर्म में मैनेजर है। माफ कीजिए, मैनेजर नहीं बल्कि पार्टनर हूँ। खैर, अब तक तो इसमें चार्लिंग और अख्तर कारोबारी सरगर्मियों में एक दूसरे के शरीक थे, लेकिन अब ये दोनों बहुत जल्द एक दूसरे की जिंदगी के शरीक बन जाएंगे। मैं हाजरीन जलसा की तरफ से हमीद साहब की खिदमत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेशक ये चांद और चकोर की जोड़ी है, फूल और खुशबू का मिलाप है। इस नाजीज को जो इज्जत दी गई है उसकी खुशी में मैं अपने 7 मिलों में से 1 मिल अपने होने वाले ससुर की खिदमत में बतौर नजराना पेश करती हूँ। मैं फिल्म लगा दो। नीम साहबा, इन टुकड़ों को अपनी जगह पर रखने दीजिए, बड़ी नाश होगी। क्यों? ये हमारे दिन के निशान है जिन्हें खैर और बरकत के लिए हमने अपने स्वरों से उनके मकाम पर लगा रखा है। नौ जल्द इंतजार करती हूँ। रुक जाइए, हमसे हमारे घर की बरकत मत छीनिए। ये रही तुम्हारे घर की बरकत। हेलो, खबरदार जिस पाक चीज को हाथ लगाए इसका नतीजा अच्छा ना होगा। अच्छा, चूटी के भी पर निकला है, मैं भी तो देखूं इसका क्या नतीजा होता है। नतीजा देख लिया मेरी साहब, चला भी नहीं दिए जानू। क्या हुआ बेटी? अरे तुम्हारे साथ चोट कैसे आई? मुझे नहीं मालूम था आप अपने घर बुला के मुझे यूं जलील करेंगे। कुछ कहो तो सही, आखिर हुआ क्या? मैं अपने कमरे में बैठी थी, सुरिया ने आकर मेरे सर पे पत्थर दे मारा और कहने लगी निकल जाओ हमारे घर से। अच्छा ठहरो, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। मैं आज इसका फैसला करके रहूंगी। चूड़ी चुड़े, तेरी ये हिम्मत कि मेरी बेटी पर हाथ उठाए? हो आप पहुंची अपनी लाडली की हिमायत के लिए। मैं तो पहले ही समझता था कि तुमने इसकी तरफदारी में जरूर कोई न कोई बहाना तराश दिया होगा। जोरी बतमी, अपनी होने वाली भावत पर हाथ उठाते तुझे शर्म ना आई? ये झूठ है अब्बा जान। खामोश मत रहा, निकल जाए यहाँ से। बताया आपका खून इस कदर सफेद हो गया है कि आप इस चालाक आवारा औरत के खातिर अपनी जवान बेगुनाह बेटी को मारने और घर से निकालने पर इतर आए? ओ गॉड, आग लगती उस घड़ी को जिस घड़ी मैंने उस दरवाजे पर रखा था। आग लगती तेरे इन पैरों को जिन्होंने हमारे घर आते ही बेचैनी फैला दी। खामोश, खबरदार जी, एक लफ्ज मेरी बहू के सामने कहा तो सहो होगा तुम दोनों यहाँ से। आपका हुक्म सर आंखों पर, जब तक आपकी बहू के नापाक कदम इस घर में है मैं बेटी की इज्जत और अपना ईमान बचाने के लिए मर के चली जाऊंगी। बेशक चली जाओ, तुम्हें रोकता ही कौन है? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। खून बह रहा है, आप बैठ जाइए, मैं डॉक्टर को फोन करके अभी बुलाता हूँ। उनकी आंखों पर तो लालच का पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक वो ना हटे मैं अपने मैके में रहूंगी। चल बेटी, तू भी हमारे साथ चल। काश मैं चल सकती बेगम साहबा। क्यों? मैं अब मैं क्या अर्ज करूँ? ठीक है बेटी,
दुनिया में गरीबों का साथ कोई नहीं देता। बेगम साहिबा। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। जल्दी घसीट लो।
मुझे आपसे ज्यादा उसकी फिक्र है, आज ही कल मैं हाथ मारने वाला हूँ आपकी दुआ से। अच्छा, तो देखो बेटा, उस रात जो डार्लिंग ने अपना एक मिल मुझे देने को कहा था, तो कम से कम उस पर तो कब्जा कर लेना चाहिए। अजी एक क्या उसके साथों मिल अपने हैं आपकी दुआ से, और वो तो यहाँ भी 2-3 मिल बनवाने वाली है। अच्छा, और आज ही कल में उसका 10 लाख का ड्राफ्ट आने वाला है। 10 लाख? तो देखो बेटा, जायदाद लेने से नक पर हाथ मारना ज्यादा अच्छा होता है। मेरा भी यही ख्याल है, आखिर आप ही का बेटा हूँ ना आपकी दुआ से। जीते रहो बेटे, जीते रहो। मगर अब्बा जान, चिड़िया को फांसने के लिए दाना डालने की जरूरत होती है, इसलिए आप आज ही उसे 50,000 का चेक देकर कहिए कि लो बेटी तुम्हारे जेब खर्च, उसके बाद बस समझ लीजिए कि 10 लाख रुपया हजम आपकी दुआ से। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है आपका? बात बात कुछ नहीं, वो अब्बा जान से मोटर और दूसरे खराजात के लिए रुपया मांग रहा था। क्यों अब्बा जान? अजी वाह, हलवाई की दुकान और दादाजी का साथ है, भला ये कैसे हो सकता है? मोटर मुझे खरीदनी है और रुपया आप खर्च करेंगे, ऐसे ये साहब कभी नहीं होगा। नहीं साहब, जरूर होगा, क्या आपने हमें बेगैरत समझ रखा? देखिए डैडी ने मना कीजिए, ये हमारे जज्बात को ठेस लगा रहे हैं। अब्बा जान ने रोक के, ये हमारी वफादारी को सदमा पहुँचा रही है। अरे भाई, छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, बात तो एक ही है, जो इनका है वो हमारा है और जो हमारा है वो इनका है। अरे मियाँ, सब तुम्हें चल जाओ ना, इनकी खुशी इसी में है तो इन्हीं को अपने रुपयों से खरीद लेने दो मोटर। अब्बा जान, कितनी उम्र हुई कभी ससुराल में बहू को अपने पल्ले से खर्च करते हुए देखा आपने? अब्बा जान, आप अल्लाह का नाम लेकर दस्तखत कर ही दीजिए। आप सिर्फ दस्तखत कर दीजिए, बाकी मामला मैं फिट कर लूंगा आपकी दुआ से। कर दीजिए ना। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखा कितने अच्छे हैं मेरे अब्बा जान। मार दिया ना मेरे मुंह पर जूता, आइंदा मैं किसी चीज पर एक पाई भी खर्च कर जाऊँ तो लाना था मुझे। खत्म करो ना इस किस्से को, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब्बा जान अब इजाजत चाहिए। अच्छा, थैंक यू डैडी। सीरियस जीते रहो बेटे, आधा बजे बजा जीते रहो। डाली तुम बाहर कार में इंतजार करो, मैं कोटर बेल कर अभी आता हूँ। चलो कनी, जो मेम साहब ने तुमसे कहा उसका बुरा नहीं मनाना, मुझे तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल है। मैंने कहा तुम हर वक्त खोई खोई क्यों रहती हो, कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी, जब देखो चुप जब देखो गुम सुन। अरे भाई, जीना है तो हंसो खेलो चहको मुस्कुराओ, यही तो जिंदगी है। मैंने कहा तुम हर वक्त खोई खोई क्यों रहती हो, कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी, जब देखो चुप जब देखो गुम सुन। अरे भाई, जीना है तो हंसो खेलो चहको मुस्कुराओ। But
मैं छुपा लूं तो हंसूं, बात बन बन के जो बिगड़ी है बना लूं तो हंसूं। साबिरा, साबिरा, हमीदा आपा, खत मिला था मेरा? खत नहीं मिलता तो आती क्यों? क्यूरी घर की रानी होकर नौकरानी बनी है और वो मुर्दार घर पर राज कर रही है। कहाँ है वो कमबख्त? बता तो, मार मार जूती भेजा पिलपिला कर दूंगी उसका। नहीं नहीं आपा, ऐसा गजब ना करना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ओहो, अब बड़ी आबाद हो जो बर्बाद हो जाओगी। इस तरह जिंदगी गुजारने से फायदा? फायदा क्यों नहीं, बीवी का फर्ज है शौहर की खिदमत करना। खुदा का शुक्र मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। बीवी बंद करना सही, कनीज बनकर ही सही, इनके कदमों में तो पड़ी हूँ, और मुझे क्या चाहिए? ओह ये अनोखी, आज तुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरा खसम तेरी छाती पर मुंह गले और तू टुकर टुकर देखा करे। मुझ जैसी होती तो ना पहुंचने चबवा देती। कहाँ है तेरा निखट्टू? देखना ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि चट्टी का दूध याद आ जाएगा बच्चों को। बेईमान दगाबाज। बस आपा, उनकी सामने एक लफ्ज़ ना कहना। आहा, बड़ा आया शान वाला, जैसे कोई पीर पैगंबर। शान वली की काम से शान। आपा चोर चक्का, आपा बेईमान दगाबाज। डालने गजब हो गया, भांडा फूट गया। काहे का? अरे बम्बई से रुस्तम जी आए हैं। रुस्तम जी? ओ गॉड, अब क्या होगा? अक्सर तुम्हारे डैडी को मुझे जान से मार डालेंगे। और मुझे क्या जिंदा छोड़ देंगे आपकी दुआ से? अक्सर कुछ तो सोचो खुदा के लिए। अरे आप कुछ नहीं सोचता है मुझे तो। अक्सर लो, एक और मुसीबत आई डार्लिंग। हटना जरा। हेलो, डॉक्टर साहब, ये वो डार्लिंग की तबीयत तो ठीक है मगर। मगर क्या, आप इतना घबराए हुए क्यों है? ये बात ही घबराने की है, तो देखिए ना मामला बहुत नाजुक है। आप फौरन चले आइए डॉक्टर साहब। अब देखिए वो जो दो डॉक्टर दूसरे दिन आपके साथ आए थे ना, उनको भी ले आइए। आप फिक्र न कीजिए, मैं सबको लेकर अभी आता हूँ। मैं अभी उन दोनों की खबर लेता हूँ। देखो भाई, आप उन पासी लोग हैं, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर भागता है। तुमको मारामारी करने का है तो तुम करो, हम जाता है। सैद जी, सैद जी, मेरे साथ ये धोखा। अच्छा, आ गया बाहर से? जी हाँ। और वो स्क्वायर डार्लिंग जी? जी जी, क्या करता है पता तो नहीं? जी हाँ, वो दोनों अपने कमरे में। अब्बा जान आदाबर, मजाक बखैर? मजाक पूछते हो मेरा? ये क्यों नहीं पूछते कि अब्बा तुम्हारे मरने में क्या देर है? बेदर्द बेटे, जिस तरसब तरफ की छाव में तुमने कमर सीधी की, उसी की जड़ों को तेजाब पिलाया, जिन हाथों ने तुम्हें मोहब्बत के झूले झुलाए, तुमने उन्हीं हाथों को काट डालना चाहा। आपके सरे अजीज की कसम मैं खास नहीं समझा। क्यों समझोगे परवरदार, पास की आंखों में धूल झोंक कर उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भी तुम्हारा जी नहीं भरा। मैं जानना चाहता हूँ कि डार्लिंग कौन से गुनाबाद आज छाई हुई लाश है। अब्बा हजरत आप उस औरत की तोहीन कर रहे हैं जिसको भरे मजे में आपने अपनी बहू बनाया है और हमारी मंगनी का ऐलान किया है। इसी भूल ने तो ये दिन दिखाया है मुझे, इसी गलती ने मेरी दुनिया को तबाही और बर्बादी के तूफान में डुबोया है। अरे रोना तो यही है कि इस बाग के रखवाले ने खुद अपने हाथों फली फूली शाखों पर कुल्हाड़ा चलाया है। सितमगार बेटे, मेरी दौलत एक मुहसत तवायफ पर लुटाते हुए तुम्हें जरा रहम नहीं आया? अजी आपने कौन से टोकरी उठाकर या फावड़े चलाकर दौलत जमा की थी? अब्बा जान, ये तो नकदो नकाश आया इस हाथ गया। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था कि बड़े होकर बाप की दाढ़ी पर हाथ डालो? गैरत नहीं आती है कहते हुए, शर्म से गल नहीं जाते जमीन में? शर्म और गैरत की भी एक ही रही अब्बा जान, अब से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अब तक कहीं ऐसा ना हो कि पाप का हाथ बराबर के जवान बेटे पर उठ जाए। क्या बात है,
आइए आइए, आती आप आती पति। बम्बई में बहुत बड़े कारखाने चल रहे हैं आपके, तकाबाज जोमड़ी खूबसूरत भरा, दूर हो जाए मेरी नजरों से, निकल जाए यहाँ से, चले जाओ चले जाओ। बजाने क्या हो गया है आपको, हम क्या कर रहे हैं, बोलो मुझे। आप लोग आ गए, आप लोग, आप किसे बुलाया है यहाँ? जी कुछ आपकी तबीयत खराब है ना, इसलिए आ गया। मेरी तबीयत खराब? जी कहीं आप लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बजा ये लोग आपका इलाज करने आए। मेरा इलाज? सर पहले मैं तेरा इलाज करता हूँ, फिर मैं सबका इलाज करता हूँ। आप लोग डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर किसने बनाए? आप लोग डॉक्टर हैं या साथ हकीम? अजी क्या कहते हैं हमीर साहब, ये आपका लड़का है। लड़का? जी मेरा। जी हाँ। कौन कहता है ये मेरा लड़का है? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं जो कुछ कहूँ आप लोग पूछने वाले होते कौन है? मुफ्ती या काजी? चले जाएंगे यहाँ पर, फौरन चले जाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं डैडी? डैडी की बात नहीं, 50 रुपए के चाय के सही हमारा कभी। अमित साहब थोड़ी बात, थोड़ी बात। अमित साहब आप अपनी बहू से ऐसी बातें करते हो? होगी तुम्हारी, मेरी हरकत नहीं। कहाँ गई वो? किधर लोगों मेरा पता हटा करते ला। डॉक्टर साहबान क्या करूं, बस तू ही बैठी बैठी बातें करती। मालूम होता है इनके दिमाग पर कुछ असर हो गया। लेकिन मेरे भी यही राय है, मेरे ख्याल से पाल खाने से देने चाहिए। क्या ख्याल है आप? जैसे आप लोगों की मर्जी। क्या पागल खाने? पागल खाने मुझे? मैं पागल? पागल? डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, एम्बुलेंस कार मंगवाइए। डॉक्टर साहब जाइए ना। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं ईमान से कहता हूँ मैं पागल नहीं हूँ। जो यहाँ आता है वो यही कहता है, अब कुछ दिन यहाँ की सैर करो, ठीक हो जाओगे। सब चले गए। अभी तो मैं जवान हूँ। ए, क्या है बोल मेरे मुर्गी में, क्या है? रेलगाड़ी। क्या रेलगाड़ी? ए जा, तूने देख लिया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुलाहजा फरमाइए, असीर जिस्म हूँ, मियाद कैद ना मालूम, ये किस गुनाह की पादाश है खुदा मालूम। हार अल्लाह, क्या कहने, जिंदगी की इससे बेहतर तस्वीर नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा हजरत, आप खुदा ना खासा गलत नहीं। पागल खाने में हूँ, जंजीरों में जकड़ा पड़ा हूँ, पागल ही समझिए। छोड़िए इन बातों को, आप भी तो बड़े मासूम आदमी मालूम होते हैं। भला आप अजी हजरत क्या अर्ज करूँ, मुझे मेरे लड़के ने पागल बनाकर यहाँ भेज दिया है, वरना मैं तो। हजरत आपको तो आपके लड़के ने पागल बनाकर यहाँ भिजवाया है, जिसने मुझे यहाँ भिजवाया है, अगर आप उसका नाम सुन ले तो हैरान रह जाए हैरान है। आप जरूर पूछेंगे कि वो कौन है, मगर साहब ये बहुत राज की बात है, आपके कान में कहूँगा। फरमाइए, कान लाइए। बेटा कैसा उल्लू बनाया। दुनिया में अमीरों को आराम नहीं मिलता।
सवेरे चाय और फिर नाश्ता, फिर दो बजे खाना, बजे जब चार तो फिर चाय बिस्कुट रात को खाना। गरज रहते हैं हरदम खाने ही खाने के चक्कर में, मुसीबत ही मुसीबत है लिखी उनके मुकद्दर में। बेचारों का बिन मोटर ऐसा बेचारों का बिन मोटर तो पाँव नहीं मिलता, पाँव नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। दुनिया में अमीरों को आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता।
कौन? आप अकबर सेठ? सेठ? सेठ नहीं, एक मुफलिस लाश, दिवालिया, पागल। अच्छी तरह देखो, तुम्हारे हाथ से आई हुई दीवानगी की मौत अब तक मेरी पेशानी पर चमक रही है। क्या दुनिया के तमाम कारखानों में आग लग गई? क्या रुए जमीन की सारी दौलत को मकड़ी चाट गई? जो हुजूर को यहां आना पड़ा। गुरुवार हूं आका, हुजूर से नजरें नहीं मिला सकता। तुम्हारे आंसू मेरे दिल के उस रख को नहीं धो सकते जो अब नासूर बन चुका है। 15 साल हो गए इस इंतजार में कि मेरा नमक हलाल मैनेजर अब आता है और अब आता है। हुजूर, गुलाम को माफ कर दीजिए, मेरा जमीर अब मुझ पर काफी मलामत कर चुका है। क्या कोई और नया फरेब सोचकर आए हो? अरे अब मेरे पास रखा ही क्या है जो छीन लेना चाहते? दौलत गई, इज्जत गई, बीवी और बच्ची का साथ छूटा, खुदा जाने वो कहां और किस हाल में होंगे। आका, मैं अपने किए की सजा पा चुका। दौलत गई, इज्जत गई, बीवी और बच्ची का साथ छूटा, मैंने बबूल के कांटे बोकर गुलाब के फूल चुनने की उम्मीद की और ये भूल गया कि इंसान जो कुछ बोए वही काटता है। मैंने आपको पागल बनाया और मुझको मेरे ही बेटे ने पागल बनाकर यहाँ भेज दिया। खुदा की लाजी है हमें, मुझे माफ कर दीजिए मेरे मालिक, मेरे आका। तौबा करो तौबा, मैं क्या और मेरी विसात क्या? मैं तो खुद आज 15 साल से अपने गुरूर की सजा भुगत रहा हूँ। उस तो जहाँ के आका से अलग करो, तो जहाँ के मालिक से माफी मांगो, सब कुछ उसी के प्यार में। अब तेरी साबरा में सब की ताकत नहीं रही, या तो तुम मेरी मुश्किलें हल कर या मुझे इस दुनिया से उठा ले। शानदार हवेली, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास और सवारी के लिए फर्स्ट क्लास मोटर, फिर तुम्हें गरीब जाकर क्यों याद आने लगे? तुम्हारा ख्याल गलत है जाकर। औरत जिससे पहली बार मोहब्बत करती है जिंदगी भर नहीं भूलती, और ये सब ऐश तुम्हारी ही दौलत तो है ना, तुम मकसद से मिलाते और ना ये सब। लेकिन मैंने तुम्हें जिस काम के लिए मिलाया था वो तो पूरा हो चुका।
अब ये 50,000 हम दोनों के लिए काफी। अजीब से क्या होता है, तुम देखते तो जाओ। कल को उसने तुमसे रुपयों के बारे में पूछा तो क्या कहोगे? कह दूंगी चोरी चले गए हैं, चिराग और कनीज पर इसका इल्जाम रख दूंगी। ये कमबख्त कनीज भी तो मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। देखो डाली, ज्यादा लालच थी तुम, मैं तो कहता हूँ ये घर छोड़ो। मुल्क में दौलतमंद नौजवानों की कमी नहीं है, अब कोई दूसरा घर ढूंढेंगे। लेकिन शायद उस दिन के लिए तुम्हारी डार्लिंग जिंदा भी नहीं रहेगी। कौन? अख्तर? हाँ वही अख्तर, जिसने तेरी एक अदना मुस्कुराहट पर अपनी बीवी के आंसू कुर्बान कर दिए, जिसने तेरी खुशी के लिए बूढ़ी मां जवान बहन को घर से निकलते हुए देखा, मगर उस नकी जिसने सिर्फ तेरी खातर अपने बाप को पालखाने भेजा। मेरे इन गुनाहों का अंजाम यही हो सकता था जो आज मेरे कानों ने सुना और मेरी आंखों ने देखा, मगर तू शायद ये भूल गई कि जो तेरे खातर इतने गुनाह अपने सर पर ले सकता है वो तेरी इस दलील हरकत के लिए तेरे साथ क्या कुछ ना करेगा। क्या बात कमी, क्या कहने, आज तुमने अपने मालक के साथ वफादारी का हक अदा कर दिया और साबित कर दिया कि हमारी मुल्क की औरतों के हाथ सिर्फ चूड़ियां पहनने के लिए नहीं बल्कि वो पिस्तौल भी चला सकते हैं। जो हाथ किसी के गर्दन का हार बनकर मोहब्बत का पैगाम दे सकते हैं वो पिस्तौल से भी खेल सकते हैं। पिस्तौल? क्यों, ये नन्हा सा खिलौना देखकर डर गए? कहाँ गया हजूर का गुस्सा? हजूर सिर्फ इसलिए खफा थे ना कि मैं जाफर से मोहब्बत क्यों करती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी शादी तो साबिरा से हुई थी ना, फिर आप मुझसे मोहब्बत क्यों फरमा रहे थे? इसलिए कि मर्द जो जी चाहे करे कुछ नहीं, औरत कुछ भी करे बहुत कुछ है। ठीक है, ये बात कहकर तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। दलील कमीनी। मुझे भी उन बेजुबान औरतों की तरह समझा है जो मिट्टी के खिलौने की तरह बेबस थी। जितनी देर जी चाहा खेलते रहे, जब जी चाहा तोड़ डाला। मेरा नाम डालिंग है, जो अपना बदला ही है। घर पर जाने चावर कर दो सरदार, एक जान तो क्या, अगर हजार जाने हो तो भी औरत अपने शौहर का कुर्बान कर सकती है। ऐसा ना कहो साबिरा, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दो मेरी अच्छी साबिरा। माफी तो आपको वाद करती चाहिए जिनके कदम में आपकी जन्नत है, लेकिन मैं अब क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊं? मुझे माफ कर दीजिए, आपके अल्फाज उनके जख्मी दिलों पर मरहम का काम करेंगे। अभी जाकर मिले आइए ताकि मरने से पहले एक बार उनके भी याद हासिल कर सकूं। मैं अभी उनको बुलाने का इंतजाम करता हूँ। साबिरा, क्या तुम मुझसे हमेशा के लिए खफा हो गए? बोलो मेरी इच्छी साबिरा, बोलो। परवरदिगार, ये तूने क्या किया? गुनाहगार मैं हूं, इस बेगुनाह का क्या कसूर था? मेरे गुनाहों की इतनी सजा न दे मेरे मालिक। ये गोली की आवाज कैसी थी छोटे सरकार? अरे ये कमीज को क्या हुआ? बाबा ये कमीज नहीं, इस घर की मलिका है, ये मेरी दुल्हन है बाबा, ये मेरी दुल्हन है। Thank you.
सलाम। थैंक यू वेरी मच नर्स, थैंक यू रियली। साबिरा मेरे सत्तार। मेरी अच्छी साबिरा, अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? नहीं, जिंदगी भर नहीं। तुमने अपनी खामोश कुर्बानियों से मुझे हमेशा के लिए जीत लिया। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। और हाँ, आप अब्बा जान को लेने कब जाएंगे? उन्हें लेने के लिए मैंने शराब को भेज दिया, वो अभी आते ही होंगे आपकी दुआ से। सरकार बड़े हुजूर आ गए, देखा? अब्बा जान मुझे माफ कर दीजिए, मैं बड़ा गुनाहगार। कोई बात नहीं बेटे, चिराग ने मुझे सब कुछ बता दिया। खैर जो कुछ होना था हो चुका, ये तो मेरे अपने ही गुनाहों की सजा है। मैं ये भूल गया था कि इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है, लेकिन खुदा का शुक्र है उसने मुझे मौका दिया कि मैं अकबर शेख से माफी मांगकर अपना दामन गुनाहों के धब्बों से पाक कर सकूं। क्या अकबर शेख अभी जिंदा है? जिंदा ही नहीं बल्कि वो मेरे साथ ही तशरीफ लाए हैं। आदाबत है सीता जमा। जीते रहो बेटा, मेरी बच्ची तो खैरियत से है ना? जी हाँ, तशरीफ ले चलिए। साबरा मेरी बच्ची। अब्बा जान मेरी बेटी, आज मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पाकर, जैसे मैंने फिर अपनी खोई हुई दौलत पाई। खुदा सबको ऐसी औलाद दी जिसकी नेकियां सबके गुनाहों को धोकर घरों को जन्नत का नमूना बनाते। अब्बा जान मेरी बच्ची। बेटे अब्बा जान। वाह भाभी वाह, यह अच्छी थी आपने कनीज बनकर आए और घर पर कब्जा ही कर लिया। क्यों री बिल्लो, धीरे धीरे धुलावाई को शीशे में उतार लिया और हमें खबर तक नहीं दी। आपा वो आ गया तेरा बचारा, अब जरा मोटी जंजीर से बांध कर रखना कहीं फिर न भाग जाए। मर्दों का क्या एतबार है, ये 20वीं सदी है 20वीं सदी। वाह क्या कहने हमारी साबरा बेगम के। जी मैंने कहा सलाम मोहब्बत अर्ज करता हूँ आपकी दुआ से। ज़हे नसीब।